हमने इसमें लगा कितने अच्छे का फर्क इन दोनों में, एक अच्छे का ही तो फर्क है। अब इसमें भी देखो इन दोनों में, यहाँ भी एक अच्छे का फर्क होगा डी का। अब यहाँ भी देखो यस बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। यहाँ भी फर्क देखना है, एक अक्षर का कितने, एक अक्षर का फर्क देखना है, यहाँ जी के बाद एच फिर आई आएगी, आई आएगी, एक अक्षर का फर्क हो जाएगा, एच एच हट जाएगी और आई आएगी। बहुत सही, दूसरा वाला समझाओ। इसकी जो इधर जा रही है ऊपर को, फिर दूसरे वाले की इधर जा रही है, इधर देख के बोला करो थोड़ा। हाँ दूसरा वाला आ जाएगा। बहुत सही, वेरी गुड, हो गया ना सही। हाँ तीसरा वाला भी समझाओ। यानी ई पे खत्म हुआ तो ई से शुरू होगा और ई एफ तक जाएगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया। हाँ ये क्या होते हैं, पांच स्वर, ये स्वर होते हैं, हो यानी इंग्लिश अल्फाबेट के ये वॉवल्स होते हैं। बहुत सही, पूरे स्वर हो गए। अब ये पूरे स्वर पांच होते हैं, पांचों हो गए। कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड, बहुत सही। आओ बैठो तुम, अब करेंगे कौन, लंतेश वो करो, पांचवा आप करो। दो हाँ करो, सही किया है। बहुत सही, और करो छठवा। हाँ क्या किया, कितना क्या किया गया? हाँ एक में तीन जोड़ दिया है, सात और तीन दस, ठीक है। आओ बैठो, आओ कौन करेगा, चलो करो सिमरन। इधर इधर देख के नहीं, तेज आवाज में बोलो। हाँ 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 जी, सब बच्चों को आ गया समझ में? बोला करो। आठवां करो, इस पर है एक, दो, तीन, इस पर है चार। बनाओ, ये रीजनिंग के सवाल हैं, दिमाग लगाने वाले, माइंड को कंसंट्रेट करने वाले। करो लगाओ, बहुत सही। आओ बैठो, अब कौन करेगा, चल करो बोलो। यहाँ कैसा आएगा, बिना बिना गोला रखा हुआ, ठीक है। आओ बैठो, बहुत बढ़िया। जसवंत और ये दसवां जसवंत समझाएंगे, समझाओ चलो। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है।
ये लगातार है आ ई ई बड़ी आती है। बहुत सही, समझ ही लोगों को समझ में आ गया। तालियां बजाओ सभी।